गुड मॉर्निंग। आज मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फोर्थ क्लास ले रहा हूँ। पहली तीन क्लासेज में मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन दिया था, एनएमआर का इंट्रोडक्शन दिया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था जो सिग्नल है उसके चार करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एनएमआर का जो सिग्नल है उसके चार करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें मैंने कहा था नंबर ऑफ सिग्नल, पोजिशन ऑफ सिग्नल, पीक एरिया, पीक इंटेंसिटी, और लास्ट इसमें कहा था स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल की डिटेल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो है पोजिशन ऑफ सिग्नल। पोजीशन ऑफ सिग्नल जो है वो डिपेंड करता है जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों ओर का केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर, यानी ये हमने लिखा है केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड ए प्रोटॉन, उस पर डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सिग्नल। उसी से संबंधित टॉपिक है नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण, यानी न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सी एच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सी एच बॉन्ड होंगे। तो अब यहाँ ले रहे सी एच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये सी एच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर नाभिक के चारों ओर यानी प्रोटोन के चारों ओर क्या करते हैं, सर्कुलेट होते हैं, या हम यूँ कहेंगे कि वो इसके चारों ओर परिसंचरण करते हैं। इस स्थिति में ये एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, इस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और वो भी हमें देखना है कि प्रोटॉन पर उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रोटॉन पर उसकी डायरेक्शन, ये रहा को किसकी, इंड्यूस और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोटॉन पर डायरेक्शन जो है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गई, अपोजिट हो गई, यानी ये नीचे की तरफ हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो हम इधर ऊपर की तरफ लगा रहे। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटॉन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करेगा वो अपेक्षा से कम अनुभव करेगा, यानी हम यूँ समझे कि मान लो प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए 10 टेस्ला, प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए, हमने पिछले में बताया था कि प्रोटॉन की फ्लिपिंग के कारण ही हमें एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त होती है। तो हम ये कह रहे हैं मान लो प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए हमें 10 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, आवश्यक कितना है 10 टेस्ला। अब चूंकि ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मान लो वो कर रहा है उसका विरोध, किसका, ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टेस्ला का है। अब 2 टेस्ला 10 टेस्ला का विरोध कर रहा है, तो यानी अब जो ये जो प्रोटॉन है वो कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करेगा, तो वो कितना करेगा, वो करेगा 8 टेस्ला, जबकि उसकी फ्लिपिंग के लिए तो हमें चाहिए 10 टेस्ला। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाना पड़ेगा, यानी ऐसी स्थिति में सिग्नल जो होगा वो उच्च क्षेत्र या अप या जिसको हम कहेंगे अप फील्ड की ओर वो शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो सेकेंडरी फील्ड को जनरेट कर रहे हैं ये इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को परिरक्षित कर रहे हैं। ये तो मैंने लिखा है सी एच प्रोटॉन का परिरक्षण, यानी उसको शील्ड कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से। और सेम ये स्थिति एल्काइन के अंदर भी होती है, ये रहा एल्काइन। एल्काइन में जैसा हम जानते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, यानी बेलनाकार इलेक्ट्रॉन अब्र होता है, और ये बेलनाकार इलेक्ट्रॉन अब्र क्या कर रहा है, ये भी एक क्या कर रहा है, सेकेंडरी फील्ड को जनरेट कर रहा है, ये रहा सेकेंडरी फील्ड। ये क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने की वजह से ये भी क्या कर रहे हैं, एक सेकेंडरी फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन भी एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है, किसके अंदर, एल्काइन के अंदर। तो ऐसी स्थिति में ये भी, ये जो सेकेंडरी फील्ड है ये भी क्या कर रहा है, प्रोटॉन को परिरक्षित कर रहा है। तो जब प्रोटॉन को परिरक्षित कर रहा है या शील्ड कर रहा है, बचा रहा है उसको एक्सटर्नल फील्ड से, तो ऐसी स्थिति में हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, और इस स्थिति में भी सिग्नल कहाँ चला जाएगा, अप फील्ड की ओर या उच्च क्षेत्र की ओर हमें पीक प्राप्त होगी। उच्च क्षेत्र निम्न क्षेत्र क्या है उसकी अभी हम आगे क्लासेज में व्याख्या करेंगे। ये तो हुआ सी एच प्रोटोन का परिरक्षण, जिसमें ये तो हो गई हर मॉलिक्यूल में लगभग, और अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हो गई है, और ये एक हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने पाई इलेक्ट्रॉन की बात की। अब हम बात करते हैं सी एच प्रोटोन का विपरिरक्षण। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य जैसे हमने मान लो लिया यहाँ पर, अब की बार 2 एग्जाम्पल लिया, एक एल्कीन लिया और एक बेंजीन लिया। उसमें भी हम देख रहे हैं कि एल्कीन में ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन, कौन से हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो जिसमें हम कहते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं। उसी तरह से बेंजीन में भी इसी तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ पर कर रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है, और सर्कुलेट हो रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी सेकेंडरी फील्ड को जनरेट कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से दिखा रखी है।
लेकिन आपने एक चीज देखी इसमें, ये सेकेंडरी फील्ड की डायरेक्शन यहाँ सेंटर पर तो इधर की तरफ आ रही है, लेकिन प्रोटॉन पर जो इसकी डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फील्ड के बिल्कुल एक ही दिशा में है। यानी ऐसी स्थिति में प्रोटॉन का अब रक्षण नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर तो वो बचा रहा था, यानी यहाँ पर तो क्योंकि वो अपोज कर रहा था इसका एक्सटर्नल फील्ड का, लेकिन यहाँ एक ही डायरेक्शन में है तो यानी उसकी मदद कर रहा है, उसके साथ ही चल रहा है। तो ये इस स्थिति में हम कहेंगे प्रोटॉन का क्या हो रहा है, विपरिरक्षण हो रहा है। हम यूं समझ सकते हैं इसको, जैसे मान लो हमने 10 टेस्ला लगाया और 2 टेस्ला उसी डायरेक्शन में लग रहा है, 2 टेस्ला उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये रहा 2 टेस्ला का सेकेंडरी फील्ड उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटॉन कितना अनुभव करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो करेगा 12 टेस्ला। तो अब 12 टेस्ला तो हमें नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन की फ्लिपिंग के लिए तो हमें कितना चाहिए, 10 टेस्ला। माना हमने कहा 10 टेस्ला चाहिए, तो 10 टेस्ला चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमको कम मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से 8 टेस्ला का ही मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में सिग्नल कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड की ओर। तो यानी अगर वो डायरेक्शन में है सेकेंडरी फील्ड, अगर प्रोटॉन पर सेकेंडरी फील्ड, अगर प्रोटॉन पर जैसे यहाँ पर भी और इधर भी, तो अगर सेकेंडरी फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो डी शील्डिंग होगी और सिग्नल कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड की ओर। तो इसका मतलब शील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल अप फील्ड, डी शील्डिंग शिफ्ट द सिग्नल डाउन फील्ड। यानी शील्डिंग जो होती है यानी परिरक्षण, सिग्नल को उच्च क्षेत्र में विस्थापित कर देता है, जबकि डी शील्डिंग जो होती है वो सिग्नल को निम्न क्षेत्र की ओर, या वी परिरक्षण सिग्नल को निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित कर देता है। अब इस उच्च क्षेत्र और निम्न क्षेत्र के कारण, यानी कि शील्डिंग और यूं नॉर्मल हम कह सकते हैं डी शील्डिंग के कारण, तो हम कह रहे हैं कि इसके कारण जो हमको पीक प्राप्त होगी किसी एक, या सिग्नल प्राप्त होगा किसी एक रेफरेंस के सापेक्ष, क्योंकि हमें रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, तो किसी रेफरेंस के सापेक्ष हमें जो सिग्नल प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहेंगे रासायनिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट। और ये क्या होता है, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि अब जैसे हमने कहा ये रहा हमने जैसे कहा अपफील्ड से लो, ये रहा अपफील्ड, इधर उच्च क्षेत्र, ये शील्डिंग बता दिया, ये हमने कह दिया डाउनफील्ड, और ये हमने कह दिया एक रेफरेंस ले लिया हमने टीएमएल। और अब जैसे हमने लिया ये वाले एग्जांपल में, हमने कहा ये sp3 है, तो हमने देख रहा था sp3 किसके अंदर था, ये cs सिग्मा बॉन्डेड। अब यहाँ पर हमने कहा sp है, ये किसके अंदर था, एल्काइन में, तो दोनों के सिग्नल हमने कहा था अपफील्ड की ओर, तो इनके सिग्नल यहाँ पर अपफील्ड की ओर प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके कहाँ होंगे, sp2, ये एलिफेटिक लिया एरोमेटिक है, तो इसके सिग्नल कहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर डाउन फील्ड की ओर हमें सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे मैं इसको आपको बताता हूँ केमिकल शिफ्ट किस तरीके से, केमिकल शिफ्ट में हमने क्या करा, ये हमने इस प्रकार से देखा, ये TMS के सापेक्ष लिया, और TMS के सापेक्ष यहाँ हमने क्या लिख दिया, उच्च क्षेत्र यानी अपफील्ड, और यहाँ हमने क्या लिख दिया, निम्न क्षेत्र यानी डाउनफील्ड। अब ये जो होता है, यहाँ पर हम किसी भी पीक की स्थिति को देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट, ये हमेशा दो स्केल पर देखी जाती है, एक तो होता है डेल्टा स्केल और दूसरा क्या होता है, टॉ स्केल। इन दोनों का जो सम होता है वो 10 ppm के बराबर होता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन के बराबर होता है। यानी अगर मैं मान लो TMS चलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ TMS को हम किस क्या मान लेते हैं, यहाँ पर TMS को हम मान लेते हैं, TMS को हमने मान लिया 0, ये आगे हमने कह दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कौन सा हो गया, ये हो गया डेल्टा स्केल। अगर हम टॉ स्केल पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 चला लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी सबका टोटल क्या हो गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो इस प्रकार से हम रासायनिक शिफ्ट को या किसी भी सिग्नल की स्थिति को हम TMS के सापेक्ष मेजर करते हैं। TMS का मान यहाँ पर डेल्टा स्केल पर 0 और टॉ स्केल पर 10 ppm के बराबर माना जाता है। अब ये TMS क्या है, रासायनिक शिफ्ट को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।